हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। ए मैन ट्रेवल्स 760 किलोमीटर, ही गोज 160 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई कार। 760 किलोमीटर वो जाता है, जिसमें 160 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी डिस्टेंस जो है कार से जाता है। इट टेक्स हिम 8 आवर्स, तो उसे 8 घंटे लगते हैं। इफ ही गोज 240 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई कार, इट टेक्स हिम 12 मिनट्स मोर, 12 मिनट उसको ज्यादा लग जाते हैं जब वो ट्रेन से 240 किलोमीटर जाता है 160 किलोमीटर के बजाय। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे, कि जब वो ट्रेन से 160 किलोमीटर और बाकी कार से जाता है, यानी कि बाकी यानी 760 में से 160 माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 600 किलोमीटर। यानी कि जब ट्रेन से वो 160 किलोमीटर जाता है और कार से 600 किलोमीटर जाता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन दे रहा है कि यदि वो 240 किलोमीटर ट्रेन से जाए, 240 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बाकी यानी कि कितना रह गया, 20, और ये हो गया 520 किलोमीटर, तो उसे 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। यानी कि यहां लग जाएंगे 8 आवर 12 मिनट्स। फिर से समझेंगे क्वेश्चन को, कि जब वो 760 किलोमीटर में 160 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी डिस्टेंस जो है कार से जाता है तो उसे 8 घंटा लगते हैं। लेकिन जब वो 160 के बजाय 240 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बैलेंस जो है यानी 520 किलोमीटर कार से जाता है तो उसे 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो दोनों स्पीड बताइए, कार का स्पीड और ट्रेन का स्पीड। तो ये देखिए, ये कितना किलोमीटर ज्यादा चला, तो ये चल रहा है 80 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। तो देखिए कि 80 किलोमीटर जब ज्यादा चला तो इसे 12 मिनट ज्यादा लग गए, यानी कि 12 मिनट समय ज्यादा लग जाता है जब वो 80 किलोमीटर ज्यादा चलता है ट्रेन से। तो देखिए, पहले 160 किलोमीटर तो चल ही रहा था, यदि 600 किलोमीटर और ट्रेन से ही जाता तो उसे कितना देर ज्यादा लग जाता। तो ये देखेंगे कि 12 मिनट ज्यादा लगता है जब वो 80 किलोमीटर चलता है, तो इसीलिए इसको 600 किलोमीटर भी कार ट्रेन से ही जाता तो उसे कितना ज्यादा लगता, तो ये हम निकाल लेंगे। 4 3 12, 4 2 8, 30 2 60, 30 3 90 मिनट, यानी 90 मिनट उसको ज्यादा लग जाना था यदि वो 160 के साथ साथ 600 किलोमीटर भी ट्रेन से ही जाता। तो इट मींस कि यदि सारा दूरी यानी कि 760 किलोमीटर सारा का सारा दूरी ये ट्रेन से ही सफर किया होता तो उसे 8 घंटे और प्लस 90 मिनट, इट मीन्स 9.5 घंटे लगने थे। यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन यहां निकल जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 760 डिवाइडेड बाई 9 2 18, 1 19/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 19 4 76, 40 2 80 किलोमीटर पर आवर। यानी यहां हम ट्रेन का स्पीड निकाल दिए 80 किलोमीटर पर आवर। अब यही चीज यदि हम ट्रेन को निकाल लिए कि 80 किलोमीटर पर आवर है, यानी इसमें लगा होगा 2 घंटे, बाकी इसमें 6 घंटे लगे होंगे कार से, यानी कि कार का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। इसमें आगे आपको पूछ सकता है कि व्हाट परसेंट लेस देन स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट परसेंट लेस देन द स्पीड ऑफ कार। कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट परसेंट लेस, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था, 80, और कार का स्पीड कितना है, 100, यानी ये कितना लेस है जी, तो 25% लेस है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें और मगध ज्ञान केंद्र से जुड़े रहें।